जिंदगी में अगर किसी को अपना सपना पूरा करना हो, अपने प्यार को पाना हो, जिंदगी के हर लम्हे को खुल के जीना हो, तो पहले उसे जागना होगा। ये है मार्क। इसके लिए जिंदगी जीना एक सपना देखने की तरह है। इसके अपने दोस्त लड़कियां इस पे फिदा है। ये कॉलेज का हीरो भी है। इन शॉर्ट, ही हैज एवरीथिंग। डोंट वरी गाइस, ट्रस्ट द ड्यूड। ये बताओ कि तुम लोग लेट क्यों आए हो? हम आपकी क्लास के लिए लेट कैसे आ सकते हैं? हम तो प्रोफेसर वासवानी की क्लास के लिए जल्दी आए हैं। लेकिन ये नहीं जानता कि इसकी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे अपना दोस्त बुला सकते हैं? दोस्त? या। ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स हैं। तेनु विक्रम पसंद है या नहीं? ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। Live like you want to. Be who you want to. मुझे प्यार हुआ है। तूने कुछ ऐसे छुआ मुझको, कैसा गजब अब ये हुआ। डियर फ्रेंड, दिस इज योर डैशिंग दर्शन एंड योर वाचिंग बीटीवी यूआ, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। और भैया, मेरे पास जो गॉर्जियस सी लड़की खड़ी है वो है हमारे इंदौर की नेहा जी। तो हाय नेहा जी। हेलो। एंड बाजू में एक हैंडसम हंक भी है, मिस्टर तनुज। तो तनुज जी, आपको भी हमारी तरफ से हाय। वेल, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इंदौर आके आपको कैसा लगा? वेल, इंदौर तो मेरी खुद की जगह है, तो मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत 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 खुशी होती है और मैं कोई मौका नहीं छोड़ती एक्चुअली इंदौर आने का। सो दिस इज द वन। जब से हम बॉम्बे से निकल आए तो नेहा था कि इंदौर इंदौर इंदौर, 19 साल से मैं यहाँ रही हूँ, ये वो फलाना ठिकाना। तो मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हो गया, यू नो। और जब हम लैंड किए यहाँ पे तो हमें ऐसे लगा कि यू नो पता नहीं क्या, यू नो लाइक मुझे लगा फिर से मिस इंडिया का क्राउन जीत गया, यू नो, बिकॉज सब रोने लगी, ये वो सब धमाल हो गया। बट शी वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो आई मीन, बट सो फार आई थिंक इट्स बीन वन डे सिंस मैं यहाँ आया हूँ, बहुत मजा आ रहा है। खाना बिल्कुल लाजवाब है, लोग भी बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेल, आपकी मूवी आने वाली है बहुत जल्दी और अभी वो अंडर प्रोडक्शन है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। वेल, लव यू सोनियो एक बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी रोमांटिक लव स्टोरी है, एक कैथलिक लड़का और एक कैथलिक लड़की के बीच में। माँ का कैरेक्टर मिस्टर तनुज उरवानी प्ले कर रहे हैं और सोनियो का मैं। सो इट्स अ वेरी स्वीट नाइस लव स्टोरी जो अपनी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। और आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन दिस वर्ल्ड कैन रिलेट टू दैट लव स्टोरी, बिकॉज किसी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानी उससे जरूर जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी में क्या मेरा जवाब था? इन्होंने छीन लिया मेरे मुंह से, मैं इस सेम बोलने वाला था, स्मार्टर थिंग्स बेटर, लेडीज फर्स्ट, दैट्स व्हाई गॉट टू गो फर्स्ट। हां हां, ये लोग झगड़ते रहेंगे वैसे। अच्छा, झगड़े से मुझे याद आया कि सेट पे कितने झगड़े होते थे? फुल ऑन, मैं नो कमेंट्स। अरे मत पूछिए, एक्चुअली हम झगड़ते ज्यादा हैं, बात कम करते हैं। हां यार, हां वो तो हमने देखा ही यहीं पे। ऐसा कोई सा सीन जो आपको बहुत relationship, you know, like she loves me, I hate her, you know, so I mean, ऐसा कुछ हमारा ऐसा कुछ, he is like crazy, you know, that's why he keeps saying, oh, Neha loves me and I hate her, you know, it's just a show off, you know, ऐसा होता है, जो लोगों को ज़्यादा importance चाहिए तो ऐसा करते हैं, you know, इसलिए हमें picture में ज़्यादा acting करने की ज़रूरत नहीं थी, because I mean, ऐसे कुछ हमारा संबंध picture में भी है, तो I mean, you know, like, कल अगर आपको picture अच्छी लगे और बोले कि अच्छा acting किया, तो वैसे दो वेल, मुझे बहुत मजा आ रहा है इनके साथ इंटरव्यू लेके। वेल, मुझे कुछ ऐसा सीन बताइए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो कौन कौन सा, व्हिच वे यू वांट टू से समथिंग फर्स्ट? नो, नहीं आप कहिए, उसके बाद में अपना बॉम्ब फेंकूंगी। नहीं, आप पहले अपना सीन बताइए, फिर मैं बॉम्ब फेंकूंगी। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से दिमाग में आए। हम गोवा में थे,
तो हम वहाँ पे एक सीन शूट कर रहे थे जहाँ हम मैं अपने ग्रैनी के यहाँ जाता हूँ एंड ऑल दैट, केक कटिंग हो रहा है, यू नो सम 50 व्हाटएवर समथिंग हैपनिंग, एंड शॉट में मुझे केक निकाल के इनके प्यारे से कोमल से चेहरे पे यू नो लगाना था, यू नो मैं जाके पूरा ऐसे डाल दिया एंड ऑल दैट, और बेचारी के 3 घंटे का मेकअप बिल्कुल खराब हो गया। अभी सब लोग सेट पे हंसने लगे तो न्या को भी हंसना पड़ा, बिकॉज नहीं तो ये तो लगेगी क्या क्या यू नो एटीट्यूड ठीक है ऑल दैट यू नो। बट जब ये वैन में चले गए तो उनके कानों से कितना निकल रहा था, 2 दिन के लिए मेरे से बात नहीं किए। तो उसके बाद मैं देखा कि मैं कभी पंगा नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत सच में इंदौर की लड़की है, बिल्कुल बिल्कुल इंदौर की लड़की है, अमेजिंग। आप बताइए ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग सीन आपको लगा मूवी? अरे जो भी सीन करते उसमें कुछ ना कुछ इरोटिक चीजें होती ही होती है, तो मैं हर सीन में एक्चुअली हंसती रहती हूँ। हर इनके साथ शूट भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप जाके सिर्फ तनुष को देखिए, he acts really well, he's a very very good actor and offset he is like a pehle co-star hu na, to I mean abhi dekhte hain 1 saal ke baad kya karte hain, nahi aisa kuch nahi hai, I'm like no he's okay, I'm like chalta hai, okay 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 aap ladiye mat, movie ke gaano ke bare mein hame kuch bataiye। Well movie ke gaane, I'm like I signed the movie only because of the songs, yeah same here, yeah that's only one thing common in us, kyunki जब मैंने पहली बार सॉन्ग सुना, I was like, okay, ma'am, these songs are gonna be super hit. And especially आज जब हम इंदौर आए हैं, और स्पेशल थिंग क्योंकि मेरी जगह है इंदौर, हम लोग आज रैम पे वॉक करने वाले हैं, तो हम लोग स्पेशली आज हमारे गानों पे वॉक करने वाले हैं। सो बेसिकली इंदौर इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हमारा पहला प्रमोशन होगा सॉन्ग्स के लिए भी। अच्छा, एंड मूवी कब रिलीज हो रही है? अर्ली नेक्स्ट ईयर, मे बी लाइक वैलेंटाइन डे। इनको कुछ पता नहीं, वैलेंटाइन डे पे आने वाली है। ओके, मतलब 14 फेब का मूवी रिलीज होने वाली है अभी तो बहुत, और आयरोनिकली हमारे पिक्चर में गाना भी वैलेंटाइन डे करके है, तो आई थिंक जब भी म्यूजिक रिलीज होगी जो काफी जल्द होगी आपको बहुत पसंद आएगा। मतलब सारे युवा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चाहिए, प्लीज जाइएगा 14 फेब को, लव यू सो मच। आपकी गर्लफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड्स, आपके बॉयफ्रेंड, जो भी हो यू नो, जैसे भी चलता है, गर्लफ्रेंड्स की फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स के फ्रेंड्स, सब 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 लेके जाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अच्छा मैं, आप मेरे साथ चलोगे मूवी देखने? हां आई वुड लाइक, चलिए मैं जा रही हूं, आप अकेले देख ले। मैं क्या बोलूं आगे मुझे पता नहीं चल रहा। डन डन, अभी आपने ऑन स्क्रीन बोला है। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, डन विक्ट्री। वेल लास्ट में हम बात करते हैं इंदौर, आप पहली बार आए हैं हाँ जी, तो कैसा? आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेस, और जितना भी नेहा ने इंदौर के बारे में बात किया है आई थिंक उससे डबल अच्छा लगा मुझे, खास करके खाना और यहाँ के लोग, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, ह्यूमिड नहीं है, अच्छा है मौसम, है पीसफुल है। मैं रात को सोया तो मैं 2 बजे तक उठा नहीं, मैं उठ नहीं पाया, यू नो ऐसे लगा कि मैं कोई हिल स्टेशन में बैठा हूँ, यू नो बॉम्बे की भीड़ के बाद ये बहुत अच्छा जगह है, ये बहुत मज़ा है। ओके सो आप एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, कौन सा बेटर? एक्टिंग एनी डे। क्यों? क्योंकि इसमें आई थिंक आपके अंदर का जो भी टैलेंट है वो ज़्यादा दिखा सकते हैं। मॉडलिंग में आपको एक्सप्रेशन एक गार्मेंट के साथ कैरी करना होता है, लेकिन एक्टिंग में एक किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी कैरी करनी होती है, तो आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट जॉब एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब टू डू। आपको क्या लगता है? मैंने कभी मॉडलिंग की नहीं है एक्चुअली, मैं वाले पहली बार स्पेशली आज मैं एक्चुअली रैंप वॉकिंग करने वाला हूं, बढ़िया आया, बट या तो एक्टिंग मैं इनको सिखाता हूं और ये मॉडलिंग मुझे सिखाएंगे, आज मैं ही टीचर हूं स्पेशली। एग्जैक्टली, सो या तो आप मुझे कल फोन कर लेना, मैं आपको बताता हूं कि मॉडलिंग कैसी लगी। पक्का पक्का, एंड प्रमोशन के लिए तो जरूर आएंगे फिर से, कोर्स फिलाएंगे ना, प्रमोशन के लिए तो खाने के लिए तो आएंगे ना यार। तो मतलब मैं समझता हूँ फिक्स जलेबी पोहे इस बार हमारे साथ, सब कुछ आया है, सब कुछ है ना। वेल लास्ट में इंदौर, ये हमारी जो इंदौर की युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? 14 ऑफ है, प्लीज डोंट मेक एनी अदर प्लान्स, लव यू सोनिया हमारी पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो प्लीज अपने सारे दोस्तों को लेकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको लेके वहाँ पे थिएटर पे आ जाना, एंड प्लीज डोंट बाय पायरेटेड डीवीडीज, बिकॉज़ यू नो लगे आएगा। या तो नहीं, मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने आज से मुझे सपोर्ट किया है मिस इंडिया में, पूरे मेरे करियर में, प्लीज़ इस मूवी के लिए भी सपोर्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और बहुत दिल के करीब है मेरे, सो प्लीज़ 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 जाके ज़रूर देखिएगा। इनके झगड़े को देख के मतलब जो मजाक वाला झगड़ा था उसको देख के मुझे तो बहुत मजा आया, और ये पिक्चर मैं ज़रूर देखूंगा क्योंकि मेरे साथ नेहा जी जाएंगे। आप बिल्कुल सोचिएगा मत कि आपको आप नेहा जी के साथ जा सकते हैं, मैं नेहा जी के साथ जा रहा हूँ, मेरी बुकिंग हो चुकी है, हम 14 फेब को जा रहे हैं। मुझे तनुज जी तो पसंद आ ही आए हैं, बट नेहा जी कुछ ज्यादा पसंद आ गए। फैन ऑलरेडी हो गया मेरा, फैन, ओके ओके, एसी कूलर सब बन जाऊंगा। वेल जैसा मैंने कहा, नेहा जी मुझे बहुत पसंद आया, और अगर आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया तो जल्दी से मुझे फीडबैक दीजिए feedback@gmail.com पर। इसी के साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जस्ट टाइप यूआर स्पेस योर मैसेज स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 5 4 5 6 7। और इस मूवी के बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए, हमें बताने के लिए और भी कुछ, अगर आपको हमारे साथ रहना है अपडेटेड, तो ज्वाइन कीजिए BTV युवा को फेसबुक पे और रहिए हमारे साथ अपडेटेड। टिल देन दर्शन वोरा करता है आप लोगों से साइन ऑफ, बट यू गाइस कीप वॉचिंग।
वॉचिंग बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंग। जिंदगी में अगर किसी को अपना सपना पूरा करना हो, अपने प्यार को पाना हो, जिंदगी के हर लम्हे को खुल के जीना हो, तो पहले उसे जागना होगा। ये है मां, इसके लिए जिंदगी जीना एक सपना देखने की तरह है। इसके अपने दोस्त लड़कियां इस पे फिदा है। ये कॉलेज का हीरो भी है। इन शॉर्ट, ही हैज एवरीथिंग। डोंट वरी गाइस, ट्रस्ट द ड्यूड। ये बताओ कि तुम लोग लेट क्यों आए हो? हम आपकी क्लास के लिए लेट कैसे आ सकते हैं? हम तो प्रोफेसर वासवानी की क्लास के लिए जल्दी आए ये नहीं जानता कि इसकी जिंदगी बदलने वाली है। तुम मुझे अपना दोस्त बुला सकते हो। दोस्त सबसे बेस्ट मोमेंट है। तेनु विक्रम पसंद है या नहीं? ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। Live like you want to. Be who you want to. मुझे प्यार हुआ है। तूने कुछ ऐसे छुआ मुझको, कैसा गजब अब ये हुआ। No.